हेलो एवरीवन, आज मैं आपको चार रिएक्शंस के बारे में बताऊंगा और इन चारों रिएक्शंस की खासियत ये है कि इन चारों ही रिएक्शंस में सेम रीअरेंजमेंट, सेम इंटरमीडिएट और सेम प्रोडक्ट्स बनते हैं। और उनमें से एक रिएक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के हिसाब से भी, ठीक है ना। इन चारों रिएक्शन को हम लोग एक वर्ड में लिख सकते हैं, SCLS, ठीक है ना। हम इसको सॉलिड SCL बोला करते थे। कौन कौन से रिएक्शन है ये? हॉफमैन, हॉफमैन कर्टियस, हॉफमैन कर्टियस लॉजेन और शिमिट, ठीक है ना। हॉफमैन कर्टियस लॉजेन शिमिट, इन चारों रिएक्शंस में एक खास बात यह है कि इन चारों रिएक्शंस में एक ही जैसा रीअरेंजमेंट होता है और एक ही मतलब आइडेंटिकल इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं हॉफमैन रिएक्शन की बात करूं, इसको बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, अगर हमने एक अनसब्स्टिट्यूटेड अमाइड लिया, यानी नाइट्रोजन पर दो हाइड्रोजन लगे हो, ठीक है ना, और इसकी रिएक्शन Br2KOH से करवाई, तो हमें मिल जाता है प्राइमरी अमाइन, ठीक है। प्राइमरी अमाइन इज प्योर प्राइमरी अमाइन एंड देर इज नो कंटामिनेशन ऑफ एनी सेकेंडरी और टर्शरी, और साथ में CO2 निकल जाती है। इसका मैकेनिज्म देखो क्या है, इसका मैकेनिज्म बड़ा सिंपल है, ठीक है ना। अगर मान लो हमने एमाइड के साथ बेस लिया, तो ये जो बेस है ये पहले एक एसिडिक एच को लेके चला जाता है, इट टेक्स अवे वन एसिडिक एच। एक एसिडिक एच को लेकर जाता है तब ये बन गया एनायन ऑफ एमाइड, ठीक है ना। इट इज एनायन ऑफ एमाइड, के प्लस आ गया, KOH से किया था हमने, ठीक है ना। अब इसके बाद ये एनायन ऑफ एमाइड जो है ये ब्रोमीन पे रिएक्शन करता है, ब्रोमीन पर अटैक करता है और एक ब्रोमो को अपने साथ मिलाता है। अब इसका नाम है एन ब्रोमो एमाइड, राइट। और अब KOH क्या करता है, KOH का OH माइनस एज अ बेस इस दूसरे वाले एसिडिक एच को निकाल कर ले जाता है, ठीक है ना। तब ये बन गया RCON- और यहां ब्रोमो है और K+ इसको बैलेंस करता है। ये एक सॉल्ट है और इसी सॉल्ट में होता है रीअरेंजमेंट। इस सॉल्ट में जब रीअरेंजमेंट होता है तो Br- बाहर हो गया, Br- के जाने से नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाता है, तो ये जो R है ना ये यहां माइग्रेट कर जाता है और N का नेगेटिव चार्ज यहां डबल बॉन्ड बनाकर आ जाता है। तो इस तरह से KBr के निकल जाने के बाद हमें मिलता है CO डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N और N पर लगा हुआ R। इसका नाम है एल्काइल आइसोसाइनेट, एल्काइल आइसोसाइनेट, ठीक है ना। ये एल्काइल आइसोसाइनेट ही इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट है और इस एल्काइल आइसोसाइनेट पर अगर हम H2O डालें तो ये RnH2 बन जाता है जो प्राइमरी एमाइन है, साथ में CO2 निकल जाती है। और ये जो रीअरेंजमेंट है ना ये इतना इंट्रामोलिकुलर है, इतना इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट है कि इसमें इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट है कि इसमें R- पूरी तरह डिटैच नहीं हो पाता, तब तक अटैच होने लग जाता है। और इस R- में, इस एल्काइल ग्रुप में अगर कहीं कोई कायरलिटी हो तो वो भी कॉन्स्टेंट रह जाती है। और इस रिएक्शन की खासियत ये है कि आपको क्या करना है, Br2KOH से रिएक्शन करवा रहा हो ना, ये कार्बोनिल कार्बन हटा के NH2 को सीधे चिपका दो, ठीक है ना। ये R हो सकता है, एल्काइल एल्कीनाइल एल्काइनाइल साइक्लिक एलिसाइक्लिक एरोमेटिक कुछ भी हो सकता है ये, और अगर ये H हुआ तो अमोनिया बन जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारे इसके एग्जांपल्स बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे इसके एग्जांपल्स बनाए जाते हैं और ये जेई में बहुत पूछा जाता है, तरह तरह से पूछा जाता है। इतना इंट्रामोलिकुलर है कि अगर मान लो एक R एक एमाइड ले लें जिसमें N15 हो और एक एमाइड ले लें जिसमें N15 ना हो, तो अपने अपने नाइट्रोजन अपने अपने एल्काइल ग्रुप पर ही आकर चिपकते हैं, ठीक है ना। खैर मुझे उसके एग्जांपल्स के डिटेल में नहीं जाना था, मुझे आपको बताना है कर्टियस रिएक्शन साथ में, ठीक है ना। तो कर्टियस रिएक्शन क्या है भाई, कर्टियस रिएक्शन ये है
कि अगर हम कोई एसाइल एजाइड ले लें, इसका नाम है एसाइल एजाइड, ठीक है ना, और इसको केवल हीट कर दें तो भी अल्काइल आइसोसाइनेट बन जाता है, अल्काइल आइसोसाइनेट बन जाता है और N2 गैस इसमें निकल जाती है। क्या मैकेनिज्म है भाई इसका? मैकेनिज्म बड़ा सिंपल है। ये जो एसाइल एजाइड है ना, एसाइल एजाइड का वैसे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये रहा, जिसमें यहां एन माइनस और ये एन प्लस, लेकिन इसमें एक आर एस और बन सकती है जब ये ऐसा हो जाए, ठीक है ना। तो कैसा हो जाएगा ये आर एस बन के? आर सी डबल बॉन्ड ओ एन माइनस और एन ट्रिपल बॉन्ड एन, और ये बीच वाला नाइट्रोजन जिसपे चार बॉन्ड है वो प्लस हो गया। अब आपको पता है कि एन टू एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, ग्रेट लिविंग ग्रुप है एन टू। एन टू के निकलने से ये नाइट्रोजन हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये आर यहां से यहां माइग्रेट कर जाएगा, ठीक है ना। आप देख रहे हैं इसमें अल्काइल आइसोसाइनेट बनने का सीन बन गया, और जब इसमें अल्काइल आइसोसाइनेट बन जाएगा तो फिर से वही रिएक्शन। अब अगर हम इसमें एच टू ओ डाल दें तो आर एन एच टू प्लस सी ओ टू, आप देख रहे हैं कि ये चारों रिएक्शन जो होंगे ना, ये चारों जो हमने एक साथ लिए हैं एच सी एल एस हॉफमैन कर्टियस लॉजन शिमिट, इन चारों रिएक्शन में एक ही तरह का रीअरेंजमेंट और एक ही इंटरमीडिएट और फिर प्रोडक्ट भी बिल्कुल वैसा ही। इसके बाद अगर हम लॉजन ले लें, लॉजन रिएक्शन आपको बता दूं मैं, अगर तो लॉजन रिएक्शन में ओ एसाइल डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोऑक्साइनिक एसिड होता है जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है। हाइड्रोऑक्साइनिक एसिड क्या है? RCONHOH इज कॉल्ड हाइड्रोऑक्साइनिक एसिड, ठीक है ना। मैं बताता हूं जरा, लॉजन की बात करेंगे, ठीक है ना, लॉजन रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं और लॉजन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ये जो कंपाउंड है ना आर सी ओ एन एच ओ एच, इसका नाम है हाइड्रोऑक्सैमिक एसिड, ठीक है ना। और इसमें अगर आप किसी आर डैश सी ओ सी एल की रिएक्शन करा दें तो ये बन जाएगा आर सी ओ एन एच ओ सी ओ आर डैश, राइट। इसका नाम हो जाएगा ओ एसाइल, यानी ऑक्सीजन पर एसाइल डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोऑक्साइमिक एसिड, ठीक है। ये जो ओ एसाइल डेरिवेटिव है ना, यही हमारे लॉजन रीअरेंजमेंट का या लॉजन रिएक्शन का स्टार्टिंग मटेरियल है। हम यहां एसाइल की जगह सल्फोनाइल या फॉस्फोराइल भी ले सकते थे, सल्फ्यूराइल भी ले सकते थे, ठीक है ना। तो ये तो हो गया जब हम ओ एसाइल डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोऑक्साइनिक एसिड बनाते हैं। अब लॉजन रिएक्शन क्या है? ये जो ओ एसाइल डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोऑक्साइनिक एसिड है ना, इसमें अगर हम बेस से रिएक्शन करवा दें, बेस से, तो ये जो बेस है ये इस एसिडिक एच को निकाल ले जाता है, तब क्या बनता है बोलो? तब बन जाएगा आर सी ओ एन माइनस ओ सी ओ आर डैश, राइट। अब बस इसी में हो जाएगा रीअरेंजमेंट, ये निकल के गया, R जो है वो R माइनस की फॉर्म में शिफ्ट हो गया यहां से, ठीक है ना। जब शिफ्ट हुआ यहीं पर होगा रीअरेंजमेंट, और इसके बाद ये N माइनस यहां डबल बॉन्ड बनाने को आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये? तब ये बन जाएगा O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N और R, और ये R डैश सी ओ ओ माइनस बार हो गया, ये बन गया अल्काइल आइसोसाइनेट, ठीक है ना। दिस इज आइसोसाइनेट। अब इस आइसोसाइनेट पर अगर वाटर से रिएक्शन करवा दो तो आर एन एच टू प्लस सी ओ टू बन जाती है, ठीक है ना। ठीक है भाई, तो शिमिट रिएक्शन भी कर लेते हैं यहीं पर। शिमिट रिएक्शन क्या है? शिमिट ने बहुत सारे काम किया, कंट्रीब्यूट किया बहुत सारा, एमीन के लिए उन्होंने खुद रिएक्शन दिए, वैसे दूसरे साइंटिस्ट के साथ मिलकर उन्होंने दूसरे और रिएक्शन दिए, कोल्ब शिमिट रिएक्शन भी होती है, तमाम और रिएक्शन होती है। शिमिट रिएक्शन देख लो, शिमिट रिएक्शन क्या है? अगर कोई एसिड ले ले और उसमें हाइड्रोजोइक एसिड की रिएक्शन करवा दें तो पहले तो ये बन जाता है एसाइल एसाइड, बिल्कुल वही, और यही कर्टियस का स्टार्टिंग मटेरियल, ठीक है ना। कैसे बनता है? H2SO4 की प्रेजेंस में करवाते हैं।
क्या मैकेनिज्म है भाई, H2SO4 की प्रेजेंस में अगर हमने H+ किया यहां पर ना, तो ये H2O निकल जाता है, H2O के निकलते ही ये क्या बन जाता है, C double bond O+, और ये C double bond O+ NH हाइड्रोजोइक एसिड बना रहा हूं मैं, यहां पर आ जाता है। देखो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इस पर अटैक कर देता है, तो क्या बन गया ये, तो ये बन गया RCO N- और N triple bond N+, और H+ बाहर हो गया, ये कैटलिस्ट राइट, बस यहीं पर रीअरेंजमेंट हो गया। ये देखो N2 बाहर, ये तो बिल्कुल कर्टियस ही हो गया, फिर तो ये R इधर शिफ्ट और ये डबल बॉन्ड इधर बन गया, तो क्या बन गया ये बता दो, नाइट्रोजन के निकल जाने के बाद ये बन गया एल्काइल आइसोसाइनेट, ठीक है ना, या क्यूल आइसोसाइनेट भी बोल देते हैं इसको, या काइनेसिस को बोलना चाहिए एन एल्काइल आइसोसाइनेट, और इसमें जब हम वाटर से रिएक्शन करवा दें तो ये बन जाता है RNH2+CO2। तो आपने देखा इन चारों रिएक्शंस में सेम रिएजेंट, सेम रीअरेंजमेंट और सेम प्रोडक्ट भी बनते हैं। एक चीज मैं इस आइसोसाइनेट के बारे में और बता देना चाहता हूं यहीं पर मैं एक चीज और आइसोसाइनेट के बारे में बता देना चाहता हूं कि ये जो आइसोसाइनेट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और यूरिया बनाने के बड़ा काम आता है, और एग्रीकल्चरल लैंड है यहां पर, आपको तो पता है। तो अगर RN double bond C double bond O ले लें और इसकी रिएक्शन अगर हम वाटर से करवाएं, तब तो ये RNH2 यानी प्राइमरी एमीन और CO2 बन जाता है। अगर इसकी रिएक्शन हम किसी एल्कोहल से करवा दें तो RNHCOOR- बनता है, इस कंपाउंड का नाम है यूरिथेन, ठीक है ना। और अगर इसकी रिएक्शन हम किसी अमाइन से करवा दें RNH2 से, तो ये बन जाता है RNHCONHR। दिस इज सब्स्टिट्यूटेड यूरिया। जैसा कि आपको पता है यूरिया का क्या फॉर्मूला होता है, NH2CONH2। और इस R की जगह अगर हम मिथाइल ले लेना, मिथाइल, तो इसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। और मिथाइल आइसोसाइनेट को शॉर्ट में बोलते हैं मिक, और ये वही गैस है जो भोपाल गैस ट्रेजडी के लिए, जो भोपाल गैस कांड के लिए जिम्मेदार है, गैस ट्रेजडी, भोपाल गैस ट्रेजडी के लिए, ये बहुत ही ज्यादा जहरीली गैस होती है। और जब हम मिथाइल आइसोसाइनेट को मिथाइल एमीन से रिएक्शन करवाते हैं तो मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड यूरिया बनता है, और वो यूरिया की तरह फर्टिलाइजर की तरह काम आता है। तो यूनियन कार्बाइड नाम की एक कंपनी हुआ करती थी भोपाल में, विदेशी कंपनी थी, वो मिक बनाया करती थी, और मिक को टैंक में स्टोर करके पास वाले प्लांट में वो पाइप से सप्लाई करते थे, जहां पर वो यूरिया बनाते थे, सब्स्टिट्यूटेड यूरिया बनाते थे, और वो यूरिया फर्टिलाइजर की तरह काम आता था। लेकिन मिक के टैंक में लीकेज होने की वजह से ये मिक लीक हो गया रात को, और जब लीक हुआ तो हजारों लोग मरे थे। और जो ट्रेजडी की बात है वो ये थी कि ये जो हवा उस समय जो चल रही थी ना उस रात को, वो उसी दिशा में चल रही थी जिधर उस फैक्ट्री के मजदूर सो रहे थे, जिधर उनकी बस्ती थी, तो उधर की ओर बहुत लोग मरे। और रात को अफरा तफरी में जो जग कर भागे वो भी उसी डायरेक्शन में चले गए जिधर विंड ब्लो कर रही थी, तो बहुत लोग, भागने वाले भी मरे, सोने वाले भी मरे, और जो भी वहां इस दायरे में आए मिक के चपेट में जितने लोग आए मरे, दसियों हजार लोग मर गए थे उसमें, बहुत बड़ा ये कांड था। और उसके बाद फिर आगे की कहानियां और भी है बहुत सारी। जेई मेन में एक बार अभी 2 साल पहले क्वेश्चन आया था कि भोपाल गैस ट्रेजडी के लिए जो जिम्मेदार गैस है वो कौन सी है, तो उसके ऑप्शन में थे मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट वगैरह वगैरह, तो मिक में मिथाइल आइसोसाइनेट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आज हम लोगों ने ये देखा कि अगर चार रिएक्शंस ऐसी ढूंढ के लाया मैं जिनके सेम रीअरेंजमेंट, सेम इंटरमीडिएट और सेम प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।